हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलीशन इन रेड ब्लैक ट्री। सो डिलीशन इन रेड ब्लैक ट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रेड ब्लैक ट्री में डिलीशन थोड़ा सा टफ है। सो इसको इजी करने के लिए हमने इसे 6 केसेस में डिवाइड किया है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, तो पहले हम एवरी केस को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल, देन वी विल डिस्कस कम्प्लीट डिलीशन प्रोसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिलीशन इन रेड ब्लैक ट्री। कैसे डिलीशन होगा? मैंने एक BST बना रखा है, तो जब भी आप रेड ब्लैक ट्री में डिलीशन करेंगे तो इट परफॉर्म स्टैंडर्ड रेड ब्लैक ट्री डिलीशन। इसके अंदर परफॉर्म स्टैंडर्ड रेड ब्लैक ट्री डिलीशन होगा। स्टैंडर्ड रेड ब्लैक ट्री डिलीशन का क्या मतलब है हम देखते हैं। वैसे आपने डिलीशन प्रोसेस इन रेड ब्लैक BST बाइनरी सर्च ट्री ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा, एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, BST में डिलीशन देर आर 3 केसेस। केस 1, अगर आप ऐसे नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जो लीफ नोड है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस तरह के नोड को डिलीट करते हैं जो लीफ नोड है, जैसे जस्ट लाइक ए डिलीट, मैं कहूँ डिलीट 27, तो 27 को कैसे डिलीट किया जाएगा BST में? सबसे पहले आप रूट से सर्च करेंगे, 27 इज़ ग्रेटर देन 20, गो टू राइट साइड, 27 इज़ लेस देन 30, गो टू लेफ्ट साइड, 27 इज़ ग्रेटर देन 25, गो टू राइट साइड। यस, 27 आपको मिल गया, देन 27 इट इज़ अ लीफ नोड, सो इसको आप डिलीट कर सकते हैं BST में, राइट? तो ये डिलीट किया जा सकता है। केस टू की अगर मैं बात करूँ, केस टू ये कहता है कि अगर आप इंटरनल नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, बट इंटरनल नोड में भी ऐसा इंटरनल नोड है जिसका वन चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, तो इस तरह के नोड को आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि मैं कहूँ डिलीट 25, जब आप 25 को डिलीट करेंगे तो 25 क्या है, 25 इट इज़ ए इंटरनल नोड और इसका एक ही चाइल्ड है। तो उस केस में आप क्या करेंगे BST डिलीशन में? वही, सबसे पहले आप 25 को सर्च करेंगे, फ्रॉम रूट नोड 25 इज़ ग्रेटर देन 20, गो टू राइट साइड, 25 इज़ लेस देन 30, गो टू लेफ्ट साइड, एंड 27 जिसका एक चाइल्ड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरनल नोड कभी डिलीट नहीं होते हैं, इंटरनल नोड रिप्लेस होते हैं। तो अगर सिंगल चाइल्ड है इसका, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? 27 से, राइट? सो 25 इज़ रिप्लेस बाय 27 एंड रिकर्सिवली इस पर आएगा और 27 डिलीट हो जाएगा, 227। तो ये 25 देखिए, इस तरह से आप 25 को डिलीट कर देंगे। ऑलराइट, केस 3 की अगर मैं बात करूँ, डिलीट इंटरनल नोड जिसके टू चाइल्ड हैं, जिस फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डिलीट 15, आप ऐसा नोड डिलीट करना चाह रहे हैं जिसके कितने चाइल्ड्स हैं, टू चाइल्ड, तो इस केस में क्या हो? इस केस में आप उसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड हमेशा रिप्लेस होते हैं, तो ये रिप्लेस किससे होगा? आइदर इन ऑर्डर प्रेडेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर से, राइट? सो 15 को आपको डिलीट करना है, 15 नॉट लीफ नोड, तो 15 को वही प्रोसेस है, आप सर्च करेंगे 15 इज लेस देन 20, यस 15 आपको मिल गया। अब इस 15 को आप डिलीट नहीं करेंगे, ये नोड डिलीट नहीं होगा, ये रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा? आइदर इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडेसर। इन ऑर्डर प्रेडेसर कहाँ मिलेगा? लेफ्ट मोस्ट जो ट्री है इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो क्या होगा? इन ऑर्डर प्रेडेसर लाइक 12। और इन ऑर्डर सक्सेसर कहाँ होगा? जो राइट मोस्ट, जो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा वो क्या होगा? इन ऑर्डर सक्सेसर होगा, दैट इज़ क्या है, 16। तो 16 से आप 15 को रिप्लेस कर देंगे, तो 15 की जगह क्या आ जाएगा? इट इज़ 16, और ये 16 आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह के नोड को डिलीट कर सकते हैं, आइदर इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडेसर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये केस नंबर 3 है। तो माय डियर, BST में जब भी आप डिलीट करते हैं तो आपको कलर के बारे में ध्यान नहीं रखना है। सिंपल, किस तरह से आप डिलीट करते हैं उसको सर्च करते हैं, उस पर लोकेशन पर जाके आप देखते हैं कि अगर वो लीफ नोड है डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं, अगर वो इंटरनल नोड है लेकिन उसका वन चाइल्ड है तो उस चाइल्ड से उसे रिप्लेस कर देते हैं, अगर वो इंटरनल नोड है उसके टू चाइल्ड हैं तो आइदर इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडेसर से उसे रिप्लेस कर देते हैं। क्या कलर के बारे में आपको कोई ध्यान रखना है? नो। बट इन रेड ब्लैक ट्री में आपको BST तो फॉलो करना ही है, इसके साथ रेड ब्लैक ट्री में कलर का फंडा भी आता है। तो कलर के केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ब्लैक हाइट आपकी डिस्टर्ब ना हो जाए, तो आपको ये भी देखना है कि ब्लैक हाइट सेम होना चाहिए, राइट? कि नंबर ऑफ ब्लैक नोट इन एवरी पाथ इक्वल होना चाहिए, फाइन?
तो ये मैंने ये बना दिया। अब मैं इसको इसमें कलर असाइन कर रहा हूँ रेड ब्लैक की प्रॉपर्टी से, तो लाइक ये ब्लैक, ये ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक, एंड ये आपका रेड, रेड कलर, रेड रेड रेड। तो देखिए क्या ये रेड ब्लैक ट्री है, यस रेड ब्लैक ट्री है, रूट ब्लैक है, और किसी भी पाथ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इक्वल होंगे, राइट। और ये सारे नील हैं, ये नील हैं, इनका कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो ये ऑल नील नोड हैं, इन नील नोड का कलर कैसा है, ब्लैक, हम जानते हैं रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी से। अब देखिए अब आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अब आपको कलर का भी ध्यान रखना है कि कहीं नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स आपके डिस्टर्ब ना हो जाएं। दोस्तों जब हम इंसर्शन कर रहे थे रेड ब्लैक ट्री में, तो इंसर्शन में क्या हो रहा था, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, बट डिलीशन के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इन एवरी पाथ ये डिफर कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें ब्लैक हाइट के बारे में ध्यान रखना है, राइट। सो अब अगर आप 27 को डिलीट करना चाह रहे हैं, 27 क्या है, इट इज़ ए लीफ नोड, और तो इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि रेड कलर के नोड को आप डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 27 लीफ है और लीफ के साथ साथ ये क्या है, कलर इसका रेड है, तो इसको आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, नो इशू, राइट। आप सपोज 40 को डिलीट करना चाह रहे हैं, 40 का कलर ब्लैक था, आप 40 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो 40 का कलर कैसा है, ब्लैक है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने ये कर दिया, इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, आपका नील हो गया। अब नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इन एवरी पाथ, आप 20 से अगर देखेंगे तो इस जगह कितने ब्लैक नोट्स हैं, 1 और एक नील 2, 1 और नील 2, और यहाँ कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स आपके डिफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से आप 40 लीफ था लेकिन आप उसे डिलीट नहीं कर सके, क्योंकि उसका कलर कैसा था, ब्लैक था। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि ब्लैक नोट्स को आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, अगर वो लीफ है तब भी आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लाइक अगर हम इस 40 को डिलीट करते हैं तो 40 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 40 यहाँ पे 40 क्या है, ब्लैक कलर है, तो ये जस्ट लाइक ए इंटरनल नोड, तो इसको डिलीट करने के लिए हम इसके जो चाइल्ड हैं नील हैं इससे इसे रिप्लेस कर देंगे। जब 40 को आप इससे रिप्लेस करेंगे नील से, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नील, और नील का कलर कैसा था, ब्लैक, और इस 40 का कलर भी ब्लैक है, तो एक नील और ऊपर आने से ये कलर क्या हो गया, डबल ब्लैक, राइट। तो डबल ब्लैक इट इज़ ए प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे आप हैंडल करेंगे, इसको कैसे देखेंगे, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि रेड ब्लैक ट्री में जब भी आप डिलीशन करेंगे तो BST स्टैंडर्ड BST डिलीशन होगा, राइट। और हमें कलर का भी ध्यान रखना है कि कलर ऐसा ना हो कि जिससे नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इन एवरी पाथ डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए इसको हमने 6 केसेस में डिवाइड किया है। 6 केसेस में हम हर एक केस को पहले डिस्कस करते हैं, देन कंप्लीट डिलीशन प्रोसेस देखेंगे। तो पहला केस देखते हैं, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस ये कह रहा है कि इफ़ नोट टू बी डिलीटेड इज़ रेड जस्ट डिलीटेड, अगर आप डिलीट नोट को डिलीट करना चाह रहे हैं नोट रेड देन जस्ट डिलीटेड। लेकिन ध्यान रखना है वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि रेड क्या है, रेड इट इज़ ए लीफ नोड, ये रेड लीफ नोड है, उसका कलर कैसा है, रेड है। तो केस नंबर 1 ये कहता है कि ये लीफ नोड है और इसका कलर अगर रेड है तो जस्ट यू कैन डिलीट इट, आप इसे डिलीट कर सकते हैं, राइट। जब आप डिलीट कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया, फाइन। एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, अब देखिए अगर आप 10 को डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट 10, वही क्वेश्चन है, 10 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो 10 तो इंटरनल नोड है, और अगर ये इंटरनल नोड है तो ये किससे रिप्लेस होगा, अपने चाइल्ड से, राइट। तो ये डिलीट नहीं होगा, 10 डिलीट नहीं होगा, 10 डिलीट नहीं होगा, तो इस नोड का जो कलर है ब्लैक वही रहेगा, क्योंकि ये डिलीट नहीं होगा, ये रिप्लेस होगा जस्ट 20 से, राइट। तो आप क्या करेंगे, 20 से इसे रिप्लेस कर देंगे, इसे 20 से रिप्लेस कर दिया, एंड रिकर्सिवली आएंगे फिर इस 20 को आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये लीफ नोड है, इसका कलर रेड है, इसको डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फाइन। अब देखिएगा मैं इसमें से 4 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो 4 का कलर तो ब्लैक है, लीफ नोड है, क्या डिलीट हो सकता है, नहीं। 4 के जो इसके जो चाइल्ड हैं वो क्या हैं, नील हैं,
nil, और nil का कलर हम जानते हैं कैसा है, ब्लैक ब्लैक। तो nil का कलर ब्लैक है, 4 को आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते ब्लैक नोड को, ये किससे रिप्लेस होगा, अपने चाइल्ड से रिप्लेस होगा। इट इज़ nil, इसका कलर ब्लैक है, 4 का कलर भी पहले से ब्लैक है, तो nil से रिप्लेस हुआ, यहाँ अंदर क्या आ गया, इट इज़ nil, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, डबल ब्लैक, पहले से ब्लैक था एक nil का कलर, डबल ब्लैक, राइट। तो अब इसका कलर, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए डबल ब्लैक नोट, फाइन। तो ये है डबल ब्लैक। अब इस डबल ब्लैक को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, कैसे सिंगल ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग केसेस हैं, हम आगे इसी वीडियो में भी देखने वाले हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, इसका एक केस है, हम क्या करेंगे इसमें, हम आगे अभी देखने वाले हैं कि हम देखते हैं कि जो इसका सिबलिंग है, सिबलिंग का कलर कैसा है, ब्लैक है, और इसके दोनों जो चाइल्ड हैं इनका कलर भी कैसा है, ब्लैक है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये जो डबल ब्लैक है, इस डबल ब्लैक को हम पेरेंट को दे देते हैं, राइट, और इसको सिंगल ब्लैक बना देते हैं, और 20 ब्लैक था इसको हम रेड कलर का बना देते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है, कैसे हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर पेरेंट नोड पर डबल ब्लैक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे सिंगल ब्लैक लिख सकते हो, ठीक है, nil को हटा सकते हो, तो ये परफेक्ट अब रेड ब्लैक ट्री है। ब्लैक हाइट की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इन एवरी पाथ, तो यहाँ भी nil है, कितना है, 1, और यहाँ ये रेड है, इसका भी nil, ये 1, तो ये परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, केस नंबर 2 ये कह रहा है, इफ़ रूट इज़ डबल ब्लैक, अगर रूट डबल ब्लैक है, जस्ट रिमूव इट, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर रूट ही डबल ब्लैक है तो आप उसको विदाउट कुछ लॉजिक लगाए डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का मतलब ये है कि डबल ब्लैक को सिंगल ब्लैक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रेड ब्लैक ट्री है परफेक्ट, इसको हटाना चाहो तो हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो अब लिख दीजिए, इसके भी nil हैं, इसके भी दोनों nil चाइल्ड, ये कैसे हैं, ब्लैक। तो ये बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री है। नाउ केस नंबर 3 देखिएगा, केस 3 क्या कह रहा है, इफ डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, अगर डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक है, एंड बोथ इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक, और उसके दोनों चिल्ड्रन भी ब्लैक हैं, तो उस डबल ब्लैक को कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये कहता है रिमूव डबल ब्लैक, एड ब्लैक टू इट्स पेरेंट, जो ब्लैक आपका, अपने पेरेंट्स को ब्लैक नोट दे दीजिए। अब पेरेंट्स को जब ब्लैक नोट देंगे तो क्या होगा, वो मैंने यहाँ लिखा है, अगर पेरेंट का कलर रेड है तो इट बिकम्स ब्लैक, पेरेंट का कलर अगर रेड है तो वो ब्लैक हो जाएगा। इफ पेरेंट इज़ ब्लैक, अगर पेरेंट का कलर ब्लैक है तो इट बिकम्स डबल ब्लैक, एंड मेक सिबलिंग रेड, हम सिबलिंग को क्या कर देंगे, रेड। इफ़ स्टिल डबल ब्लैक एग्जिस्ट अप्लाई अदर केसेस, अगर इसके बावजूद डबल क्लास है, डबल ब्लैक है, तो हम अदर केसेस अप्लाई करके देखते हैं। देखिएगा ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस एग्जाम्पल में ये रेड ब्लैक ट्री है, मैं सपोज इसमें 15 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डिलीट 15। तो आप जब 15 को डिलीट करेंगे तो 15 क्या किससे रिप्लेस होगा, 15 के जो nil चाइल्ड हैं जो इसके, इनसे रिप्लेस हो जाएगा। और nil का कलर कैसा होता है, nil का कलर क्या है, इट इज़ अ ब्लैक कलर, सो nil का कलर अगर ब्लैक है तो ये क्या हो जाएगा, डबल ब्लैक। 15 रिप्लेस हुआ nil से, और nil का कलर, इसका ब्लैक पहले से था एक nil का कलर, तो ये डबल ब्लैक, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल ब्लैक। तो ये प्रॉब्लम आपकी बन गई, देखिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर nil लिखा हुआ है, इट इज़ nil। नाउ आप देखिए क्या केस थर्ड इस पे लग रहा है, केस थर्ड क्या कह रहा है, इफ़ डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, डबल ब्लैक ये है, इसका सिबलिंग ब्लैक है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इंसर्शन करते थे तो जो न्यू नोड आपने इंसर्ट किया है, हम क्या उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट होता था, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट, तो हम किसका कलर देखते थे, उसके अंकल का कलर। लेकिन जब आप डिलीशन प्रोसेस करेंगे, डिलीशन में हम क्या चेक करेंगे, डबल ब्लैक के सिबलिंग का कलर कैसा है। तो यहाँ पे सिबलिंग को देखेंगे, इफ़ डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, यस ब्लैक, और बोथ इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक, यस इसके चिल्ड्रन क्या हैं, nil, और ये भी कैसे हैं, ब्लैक कलर के, हम जानते हैं इट इज़ अ ब्लैक ब्लैक। तो ये कह रहा है रिमूव डबल ब्लैक, आप यहाँ से डबल ब्लैक रिमूव कर दीजिए, इसे सिंगल ब्लैक बना दीजिए nil को, एंड ऐड ब्लैक टू पेरेंट्स, ये जो ब्लैक नोट जो गया वो कहाँ गया, पेरेंट पे चला गया। अब पेरेंट पे क्या होगा, ये पेरेंट इज़ रेड, अगर ये रेड होता तो सिंगल ब्लैक हो जाता, बट पेरेंट इज़ ऑलरेडी ब्लैक, देन इट बिकम्स डबल ब्लैक, इट बिकम्स डबल ब्लैक, फाइन। एंड मेक सिबलिंग रेड, हम सिबलिंग को कैसा कर देंगे, इसको रेड कलर का बना देंगे, सिबलिंग आपका कैसा हो गया, रेड हो गया।
तो ये नज़ारा ये आ गया इसका नेक्स्ट केस इससे कन्वर्ट होके, ये कुछ यही बन गया जो मैंने किया है 10 5 20 डबल ब्लैक हो गया 17 इट इज़ निल और 30। क्या डबल ब्लैक प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है? नहीं, ये कह रहा है इफ़ स्टिल डबल ब्लैक एग्जिस्ट अप्लाई अदर केसेस। अगर डबल ब्लैक एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर से देखिए कौन सा केस बनेगा। अगेन चेक करिए डबल ब्लैक का सिबलिंग अब क्या है, इट इज़ 5। डबल ब्लैक का सिबलिंग 5 है, इसका कलर कैसा है, ब्लैक है, और इसके दोनों चाइल्ड का कलर कैसा है, ब्लैक है। अगेन यही केस अप्लाई हो जाएगा केस नंबर 3। तो केस 3 के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि रिमूव डबल ब्लैक, आप इसे रिमूव कर दीजिए, डबल ब्लैक को रिमूव कर दीजिए। ऐड ब्लैक टू इट पेरेंट्स, जो ब्लैक आपने रिमूव किया वो कहाँ चला जाएगा, पेरेंट्स पे। पेरेंट अगर रेड है तो ब्लैक हो जाएगा, पेरेंट अगर ब्लैक है तो एक ब्लैक और आने से ये क्या हो गया, ये डबल ब्लैक हो गया डीबी, फाइन। एंड ये कह रहा है कि मेक सिबलिंग रेड, जो सिबलिंग था उसको हम कैसा बना देंगे, रेड। तो इस 20 का सिबलिंग 5 था, इसको रेड कलर बना देंगे। इफ़ स्टिल डबल ब्लैक एग्जिस्ट देन अप्लाई अदर केसेस, राइट। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया, ये आ गया जो मैंने इसमें किया है, ये केस ऊपर लिखा हुआ। अब फिर केस नंबर वन क्या लिखा हुआ था, केस नंबर टू में ये लिखा है इफ़ रूट इज़ डबल ब्लैक जस्ट रिमूव इट। अगर रूट आपका डबल ब्लैक है तो इसको रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इट इज़ नाउ टाइम। तो इस तरह से ये केस 3 है और ये परफेक्ट अब रेड ब्लैक ट्री है। आप चाहें तो ब्लैक नोट्स इन एवरी डिसेंडेंट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक नोट्स 1 और निल 2, 1 और निल 2, 1 और एक निल 2, 1 और इसके जो निल चाइल्ड हैं 2। यस, परफेक्ट ये रेड ब्लैक ट्री है। नाउ केस नंबर 4 देखिए। केस नंबर 4 कह रहा है इफ़ डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ रेड, कि डबल ब्लैक का सिबलिंग आप कैसा है, रेड कलर का है, राइट। तो ये कह रहा है स्वैप कलर ऑफ पेरेंट्स एंड इट्स सिबलिंग, हम पेरेंट्स और इसका जो पेरेंट है और इसके जो सिबलिंग है उसका कलर कैसा स्वैप कर देंगे, रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन एंड री अप्लाई केसेस, फाइन। सपोज इसमें से हम 15 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी आप जानते हैं 15 किससे रिप्लेस होगा, अपने निल चाइल्ड से। निल का कलर कैसा है, ब्लैक, तो 15 का कलर अब कैसा हो जाएगा, 15 यहां से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आ गया निल और इस कैसा हो गया डबल ब्लैक, ये कुछ इस तरह से। अब देखिएगा क्या डबल ब्लैक का सिबलिंग रेड है, यस, ये डबल ब्लैक है, क्या इसका सिबलिंग रेड है, यस, केस नंबर 4 अप्लाई होगा। तो ये क्या कह रहा है, स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड इट्स सिबलिंग, इसका पेरेंट क्या है, पेरेंट इज 20 और सिबलिंग क्या है, इनके कलर को स्वैप कर देंगे। तो स्वैप का मतलब इसका कलर रेड हो जाएगा और इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, राइट। एंड रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक, पेरेंट क्या था 20, इसको डबल ब्लैक की डायरेक्शन में हम डबल ब्लैक की डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, फाइन। जब आप इसे रोटेट करेंगे डबल ब्लैक की डायरेक्शन में तो कुछ ये केस आ जाएगा। देखिए कैसे 20 नीचे लेफ्ट में आ गया, 30 ऊपर चला गया, 30 रूट बन गया, 30 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये 20 और 20 के लेफ्ट में क्या है, डबल ब्लैक, और 30 रूट पे पहुंच गया, 30 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 20 का क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड एंड 40। तो ये रोटेशन के बाद ये रिजल्ट आया, लेकिन अभी भी डबल ब्लैक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई है। इस देखिए डबल ब्लैक एग्जिस्ट कर रहे हैं, डबल ब्लैक अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप क्या करेंगे, हम क्या चेक करते हैं, अब सिबलिंग, इसके सिबलिंग का कलर कैसा है, ब्लैक, ब्लैक है, इसके जो चाइल्ड हैं वो कैसे कलर के हैं, नील हैं, तो ब्लैक कलर के हैं बाई डिफॉल्ट। तो केस नंबर 3 अप्लाई होगा। केस 3 ये कहता है कि कन्वर्ट इसको सब सिंगल ब्लैक में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट, और इसका जो एक ब्लैक है वो इसके पेरेंट को दे दीजिए, और पेरेंट इसका 20 है, 20 अगर रेड है तो ब्लैक बन जाएगा, 20 अगर ब्लैक है तो डबल ब्लैक बन जाएगा। सो 20 रेड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल ब्लैक में। एंड 25 जो इसका सिबलिंग है, इसका कलर कैसा हम कर देंगे, रेड कलर कर देंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए ये परफेक्ट आपका रेड ब्लैक ट्री बन गया। तो इस तरह से केस 4 अप्लाई होगा। नाउ केस 5 देखते हैं। केस 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है डबल ब्लैक सिबलिंग तो ब्लैक है, एंड सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ फार फ्रॉम डबल ब्लैक इज़ ब्लैक, जो डबल ब्लैक से दूर है वो कैसा है, ब्लैक है, बट नियर जो चाइल्ड है सिबलिंग का डबल ब्लैक के वो कैसा है, रेड है, राइट। इसका कहना ये है कि कुछ इस तरह से, ये सपोज डबल ब्लैक है, ये तो ब्लैक है, ये डबल ब्लैक है, और उसका जो सिबलिंग है, जो फार चाइल्ड है वो कैसा है, ये ब्लैक है, जो नियर चाइल्ड है ये कैसा है, रेड है, डबल ब्लैक के जो नियर है वो कैसा है, रेड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्वैप कलर ऑफ डबल ब्लैक सिबलिंग, डबल ब्लैक का जो सिबलिंग है एंड सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ नियर टू डबल ब्लैक।
तो इन दोनों के कलर को हम चेंज कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे और इसको रेड कर देंगे, स्वैप कर दिया। एंड रोटेट सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डबल ब्लैक, डबल ब्लैक की अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, सिबलिंग को रोटेट कर देंगे। एंड अप्लाई फॉर केस 6। फाइन, तो यहाँ देखिए मैं इसको इस एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। इसमें से वन को आपको डिलीट करना है। सबसे पहले जब आप वन को डिलीट करेंगे तो वन किससे रिप्लेस होगा, नील चाइल्ड से। नील का कलर कैसा है, ब्लैक है, तो ये ब्लैक है, ये इससे रिप्लेस हुआ तो इसका कलर कैसा हो गया, नील, डबल ब्लैक, ये डबल ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। और सेवन का कलर कैसा हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा सेवन का कलर, अभी तो सेवन का कलर ब्लैक ही रहेगा। अब देखिए ये डबल ब्लैक है तो हम क्या चेक करेंगे, डबल ब्लैक का सिबलिंग, इसका कलर ब्लैक है और सिबलिंग के दोनों चाइल्ड नील हैं, दोनों का कलर कैसा है, ब्लैक है, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, तो इस केस में हम केस थर्ड अप्लाई हो जाएगा। केस थर्ड क्या कहता है कि इसके रिमूव डबल ब्लैक और ये ब्लैक आप अपने पेरेंट को दे दीजिए, पेरेंट अगर रेड है तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक है तो पेरेंट डबल ब्लैक हो जाएगा, पेरेंट ऑलरेडी ब्लैक है तो ये पेरेंट क्या हो गया, डबल ब्लैक हो गया और ये सिंगल ब्लैक में हो गया, वन हट गया है, वन नहीं है अब, इट इज़ नील। और जो सेवन इसका जो सिबलिंग है इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो केस वन जब आपने डिलीट करेंगे तो ये केस आपका मिल जाएगा डिलीशन के बाद। देखिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ये केस आ जाएगा रेड रेड रेड। फाइन, अब देखिएगा अब केस फाइव बनेगा। केस फाइव क्या कह रहा है कि डबल ब्लैक अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, फाइव इज अ डबल ब्लैक सिबलिंग इज ब्लैक, ये सिबलिंग थर्टी है, ये कैसा है, ब्लैक कलर का है। एंड सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ फार फ्रॉम डबल ब्लैक, जो डबल ब्लैक से दूर है वो कैसा है, ब्लैक कलर का है, येस करेक्ट। एंड नियर चाइल्ड इज़ रेड, ये नियर चाइल्ड कैसा है, रेड, ये करेक्ट है, येस। तो केस नंबर फाइव अप्लाई होगा। केस फाइव क्या कहता है, स्वैप कलर ऑफ डबल ब्लैक सिबलिंग, स्वैप कलर ऑफ डबल ब्लैक सिबलिंग यानी थर्टी एंड सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ नियर टू डबल ब्लैक, इस दोनों का कलर हम स्वैप कर देंगे, दोनों का कलर इसका रेड है तो माई डियर ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक है तो ये कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रोटेट सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डबल ब्लैक, ये डबल ब्लैक है, रोटेट सिबलिंग, सिबलिंग क्या है, 30 है, इसको अपोजिट डायरेक्शन डबल ब्लैक आप रोटेट कर दीजिए। जब आप ऐसा रोटेट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, ये केस आ जाएगा, 25 ऊपर चला गया, 25 का कलर अब ब्लैक हो चुका है और 30 इसका चाइल्ड बन गया, 30 का कलर रेड हो गया, 40 इसका राइट चाइल्ड है। एंड 25 के लेफ्ट में क्या है, 25 के लेफ्ट में 20 और ये 30 के लेफ्ट में चला जाएगा, यस 28 इसके लेफ्ट में आ गया ब्लैक कलर, तो ये केस बन गया। ये अपने आप में एक अलग केस है, दैट इज़ केस 6। तो केस 6 हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले केस 6 आपको आना चाहिए। केस 6 क्या है, केस 6 ये है, यहाँ 28 भी है। केस 6 ये कह रहा है कि डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, डबल ब्लैक का सिबलिंग कैसा है, यस ब्लैक है। एंड फार चाइल्ड इज़ रेड, जो सिबलिंग है इसका जो फार चाइल्ड है जो डबल ब्लैक से दूर है वो कैसा है, रेड कलर का है, यस। तो दिस इज़ केस 6, यस इसमें परफेक्ट ये बैठ रहा है, डबल ब्लैक का सिबलिंग कैसा है, ब्लैक कलर का, उसका फार चाइल्ड कैसा है, रेड है। ये यही है, ये यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है इसको। तो ये कह रहा है स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड सिबलिंग, स्वैप कलर ऑफ पेरेंट किसके, डबल ब्लैक का पेरेंट और सिबलिंग, इन दोनों का कलर हम स्वैप कर देंगे, तो इसका भी ब्लैक है इसका भी ब्लैक है तो स्वैप करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लैक है ये भी ब्लैक है, आप इन दोनों को स्वैप करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, ब्लैक ब्लैक ही। फिर कह रहा है रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन, राइट, रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन, तो डबल ब्लैक डायरेक्शन में जब आप इसे रोटेट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो डबल ब्लैक डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में पेरेंट को आप रोटेट कर दीजिए। जब आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो 25 आपका रूट ये बन गया 25 और 10 इसके लेफ्ट में है और 5 इसके लेफ्ट में, 5 ये कह रहा है रिमूव डबल ब्लैक, तो हमने 5 का डबल ब्लैक हटा दिया और 7 इसके राइट में है, 7 का कलर कैसा था, 7 का कलर पहले से रेड था तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये रेड कलर है। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में डबल ब्लैक की डायरेक्शन में तो ये कुछ इस तरह का ट्री आपका बन जाएगा और रोटेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 30 इसका 30, 40 राइट में, 28 दिस। एंड ये कह रहा है चेंज कलर ऑफ रेड चाइल्ड टू ब्लैक, जो रेड चाइल्ड है इसका कलर हम क्या कर देंगे, ये काट के मैंने इसे ब्लैक कर दिया, राइट। तो ये आपका बन गया आपका परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इन एवरी डिसेंडेंट नोट, एवरी नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इन एवरी पाथ इक्वल होंगे, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस हैं,
ये सारे केसेस को हम एक साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो रेड ब्लैक ट्री के डिलीशन के ये सारे केसेस मैंने लिख रखे हैं। इसमें देखिएगा केस नंबर वन क्या कह रहा था। सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड रेड ब्लैक ट्री डिलीशन परफॉर्म करना है, ये ध्यान रखना है। क्या करना है? परफॉर्म स्टैंडर्ड रेड ब्लैक ट्री डिलीशन। केस वन कह रहा है इफ़ नोट टू बी डिलीटेड इज़ रेड, जस्ट डिलीटेड। और वो क्या होना चाहिए? लीफ नोड होना चाहिए। लीफ अगर रेड कलर का लीफ नोड है तो उसको डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हैं। इफ़ रूट इज़ डबल ब्लैक, जस्ट रिमूव इट। आप डबल ब्लैक हटा सकते हैं वहाँ से। इफ़ डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक है एंड बोथ इट चिल्ड्रन आर ब्लैक, देन ये कह रहा है सॉल्यूशन रिमूव डबल ब्लैक। इसका सॉल्यूशन ये है, रिमूव डबल ब्लैक, ऐड ब्लैक टू इट्स पेरेंट। अब पेरेंट पे ब्लैक कैसे ऐड होगा? इफ़ पेरेंट इज़ रेड, पेरेंट अगर रेड है तो इट बिकम ब्लैक, इफ़ पेरेंट इज़ ब्लैक इट बिकम्स डबल ब्लैक। एंड मेक सिबलिंग, जो सिबलिंग है उसका कलर हम कैसा कर देंगे? रेड कलर का कर देंगे। इफ़ स्टिल डबल ब्लैक एग्जिस्ट अप्लाई अदर केसेस। ये केस थर्ड था, फाइन। केस फोर कह रहा है इफ़ डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ रेड, अगर डबल ब्लैक का सिबलिंग कैसा है? रेड कलर का है, तो सॉल्यूशन क्या दे रहा है कि स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड इट सिबलिंग, रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन एंड री अप्लाई केसेस, फाइन। केस फाइव, केस फाइव ये कह रहा है डबल ब्लैक सिबलिंग इज ब्लैक, डबल ब्लैक का सिबलिंग कैसा है? ब्लैक है। एंड सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ फार फ्रॉम डबल ब्लैक इज़ ब्लैक, एंड सिबलिंग का जो चाइल्ड है जो डबल ब्लैक से दूर है उसका कलर ब्लैक है, लेकिन जो उसके नज़दीक है उसका कलर कैसा है? रेड है। तो इस केस में केस फाइव बनेगा। केस फाइव क्या कह रहा है? स्वैप कलर ऑफ डबल ब्लैक सिबलिंग, सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ नियर टू डबल ब्लैक एंड रोटेट सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डबल ब्लैक एंड अप्लाई केस सिक्स। जब भी केस फाइव आप अप्लाई करेंगे तो केस सिक्स तो लगेगा ही लगेगा उसमें। नाउ व्हाट इज केस सिक्स? केस सिक्स कह रहा है कि डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक एंड फार चाइल्ड इज़ रेड। अगर फार चाइल्ड रेड है, देखिए ये कह रहा है कि सपोज ये डबल ब्लैक है, डबल ब्लैक सिबलिंग ये है ब्लैक है, एंड फार चाइल्ड यानी ये फार चाइल्ड ये कैसा है? रेड है। देन केस सिक्स, माई डियर अगर फार चाइल्ड अगर रेड है तो हम इसका कलर नहीं देखते हैं, जो पास वाला कलर। ये चाहे ब्लैक हो तब भी केस सिक्स है, और ये चाहे रेड हो तब भी आपका केस सिक्स अप्लाई होगा इस पर। ओके, हम किसको देखते हैं? फार चाइल्ड को। अगर फार चाइल्ड ब्लैक कलर का है तो फिर हम इसका कलर चेक करते हैं। इसका कलर अगर रेड है तो ये केस फाइव बन जाएगा, और इसका कलर भी अगर ब्लैक है तो केस थ्री बन जाएगा, राइट। तो सब हम क्या देखते हैं? फार चाइल्ड डबल ब्लैक का ये ब्लैक है, ये रेड है, तो हम इसका कलर चेक नहीं करते। अगर ये ब्लैक है तब भी केस सिक्स, और इफ़ इट इज़ रेड तब भी आपका केस सिक्स ही अप्लाई होगा। इसका सॉल्यूशन है स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड सिबलिंग, पेरेंट और सिबलिंग का कलर आप स्वैप कर देंगे, रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन एंड रिमूव डबल ब्लैक एंड चेंज कलर ऑफ रेड चाइल्ड टू ब्लैक। तो ये सारे केसेस मैंने लिखे हैं। इस सारे केसेस में इस तरह से आप डिलीशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम डिलीट करके देखते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी एक रेड ब्लैक ट्री बना हुआ है, इस रेड ब्लैक ट्री से मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ कुछ कीज़ को, तो देखिए किस तरह से डिलीट होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 60। आई वॉन्ट टू डिलीट 60। नाउ डिलीट 60। देखिए 60 कैसे डिलीट होगा। आप 60 को डिलीट करेंगे तो 60 ये ब्लैक कलर है, तो ये किससे रिप्लेस होगा? अपने चाइल्ड से। इसके चाइल्ड क्या हैं? निल हैं, और निल का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। जब 60 को डिलीट करोगे तो 60 निल से रिप्लेस हो जाएगा, और निल का कलर ब्लैक है, इसका भी कलर ब्लैक है, तो इट इज़ निल, बट ये क्या हो जाएगा? आपका डबल ब्लैक हो जाएगा, इट इज़ डबल ब्लैक, राइट। अब अगर ये डबल ब्लैक है तो अब देखिए कोई केस बनना है। तो अगर कोई डबल ब्लैक है और उसका सिबलिंग रेड कलर का है, सिबलिंग कैसा है? रेड कलर का, लेकिन सिबलिंग के दोनों चाइल्ड कैसे हैं? ब्लैक कलर के। तो इसमें कौन सा केस बनेगा? आई थिंक केस फोर, डबल ब्लैक सिबलिंग कैसा है? रेड। हम उसके चाइल्ड नहीं देखते। अगर डबल ब्लैक का सिबलिंग रेड कलर का है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड इट्स सिबलिंग। स्वैप कलर ऑफ पेरेंट किसका? डबल ब्लैक का पेरेंट एंड इट्स सिबलिंग, राइट। तो इसका पेरेंट 70 है और इसका सिबलिंग 75, इनका कलर स्वैप हो जाएगा। इसका ब्लैक से क्या हो जाएगा? रेड। और इसका रेड से क्या हो जाएगा? इट इज़ ब्लैक, फाइन। तो ये कलर अब आपका कैसा हो गया? ये कलर तो आपका रेड हो गया, इट इज़ रेड। और ये कलर आपका कैसा हो गया? ब्लैक,
ओके एंड रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन. पेरेंट को हम किस डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, डबल ब्लैक के डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे. राइट, तो रोटेट करके देखते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपका. आफ्टर रोटेशन देखिएगा, केवल ये पोर्शन आपका चेंज हो जाएगा, बाकी का वही सेम रहेगा. तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ. देखिए उस केस में क्या होगा, 75 आपका इधर आ गया और 70 उसका लेफ्ट चाइल्ड ये आ गया. ये डबल ब्लैक अभी भी है, डबल ब्लैक. 72 राइट चाइल्ड और 86 एंड 88. और 88 का कलर कैसा है, 88 का रेड कलर है. और इसका कलर कैसा है, 86 का ब्लैक और 75 का ब्लैक और ये रेड. इट इज़ रेड एंड हियर इट इज़ ब्लैक. तो रोटेशन के बाद ये रिजल्ट आ गया. फाइन, 70 का कलर कैसा था, रेड बन गया था, 75 का कलर ब्लैक हो गया है, बाकी का. अब फिर देखिए क्या कह रहा है, रीअप्लाई केसेस. अगर डबल ब्लैक अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है तो रीअप्लाई केसेस, तो डबल ब्लैक स्टिल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगेन देखिए कोई केसेस अप्लाई हो रहा है. यस, डबल ब्लैक का सिबलिंग कैसा है, ब्लैक कलर का. और इसके दोनों चाइल्ड कैसे क्या है, नील. और नील का कलर कैसा होता है, ब्लैक. तो केस थर्ड अप्लाई होगा. केस थर्ड में हम क्या करते हैं, केस थर्ड ये कहता है कि इस डबल ब्लैक को आप सिंगल ब्लैक बना दीजिए और अपने ब्लैक को आप पेरेंट्स पे ट्रांसफ़र कर दीजिए. पेरेंट अगर रेड कलर का है तो वो ब्लैक हो जाएगा, पेरेंट अगर ब्लैक कलर का है तो डबल ब्लैक हो जाएगा. पेरेंट का कलर रेड है तो ये पेरेंट कैसा बन जाएगा, सिंगल ब्लैक. और जो अपना सिबलिंग है इसका कलर हम कैसा कर देंगे, रेड. सिबलिंग का कलर रेड, इट इज़ रेड. अब इस नील को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी चलेगा आपको. देखिए ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, इससे 60 डिलीट हो गया है. और अभी भी ये क्या है, परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री है. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इन एवरी पाथ इक्वल है. ओके, इसका कलर भी आपका कैसा है, इट इज़ ए ब्लैक कलर. फाइन, नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट 28. मैं इसमें से 28 को डिलीट करना चाह रहा हूँ. डिलीट 28, तो 28 इट इज़ ए इंटरनल नोड. और इंटरनल नोड कभी डिलीट नहीं होते हैं, वो रिप्लेस होते हैं किससे, आइदर इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडेसर से, अगर उसके दो चाइल्ड हैं. तो 28 के टू चाइल्ड्स, टू लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री, तो किससे रिप्लेस होगा, आइदर इन ऑर्डर प्रेडेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर. बाय डिफॉल्ट हम इन ऑर्डर सक्सेसर लेके चलते हैं और 28 को इसका इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो 28 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, इट्स 32. तो 28 32 से रिप्लेस हो जाएगा, इट्स नॉट डिलीट. राइट, और अब ये जो 32 है, इस 32 रिकर्सिवली कॉल होगा, देयर आर 232, तो ये 32 आपका डिलीट हो जाएगा. फाइन, तो इस 32 को जब आप डिलीट करेंगे तो 32 कैसे डिलीट होगा, 32 के चाइल्ड्स क्या हैं, नील. और नील का कलर ब्लैक है तो इट इज़ रिप्लेस बाय नील. तो नील का कलर ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल ब्लैक. ये डबल ब्लैक आपका बन गया. फाइन, आप चेक करिए क्या डबल ब्लैक कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है. यस, डबल ब्लैक का सिबलिंग हमने चेक किया, डबल ब्लैक का सिबलिंग कैसा है, ब्लैक कलर का. तो कौन सा केस इसमें बनेगा ये आपको चेक करना है. डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक कलर का है और इस सिबलिंग के दोनों चाइल्ड्स क्या हैं, वो भी ब्लैक कलर के हैं. नहीं, तो एक केस थर्ड अप्लाई हो रहा है. केस थर्ड ये कहता है तो इस डबल ब्लैक को सिंगल ब्लैक बना दीजिए और इसका जो एक ब्लैक नोड है पेरेंट पे शिफ्ट कर दीजिए. पेरेंट पे कैसे शिफ्ट होगा, अगर पेरेंट ब्लैक है तो डबल ब्लैक हो जाएगा, पेरेंट अगर रेड है तो सिंगल ब्लैक हो जाएगा. राइट, तो इसको मैं डबल ब्लैक से हटा के ब्लैक और इसका एक ब्लैक हम इस पे शिफ्ट कर देते हैं, इट बिकम्स डबल ब्लैक. और इसका जो सिबलिंग है इसका कलर हम रेड कलर कर देते हैं. फाइन, तो ये रिजल्ट आपका बन गया. लेकिन क्या 32 इज ए डबल ब्लैक, तो डबल ब्लैक प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ. तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम फिर से चेक करेंगे कि डबल ब्लैक को रिमूव करने के लिए कौन सा केस बनना है. तो 32 का सिबलिंग 75 का कलर कैसा है, ब्लैक. और इसके दोनों चाइल्ड कैसे हैं, ब्लैक कलर के. अगेन केस थर्ड अप्लाई होगा. केस थर्ड अप्लाई होगा तो ये अपना ब्लैक किसको दे देगा, पेरेंट को. तो पेरेंट पे ऑलरेडी ब्लैक है, ये डबल ब्लैक हो जाएगा. ओके,
और इसका जो सिबलिंग है ये डबल ब्लैक हट जाएगा, सिबलिंग का कलर कैसा हो जाएगा, इट इज़ रेड कलर, सिबलिंग का कलर आपका रेड बन गया। तो मैं रेड कलर से इसे मार्क कर देता हूँ रेड, और ये भी क्या हो गया था रेड, फाइन। तो ये रिजल्ट आपका बन गया है। इसमें आप चाहो तो इस नील को आप हटा सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक ही होता है। तो देखिए ये रिजल्ट आपका आ गया है, इसमें से आपने 28 को डिलीट कर दिया है, फाइन। अच्छा अभी भी आप पेर, अगर रूट पर डबल ब्लैक है तो उसको डायरेक्टली हटा सकते हैं, क्योंकि रूट पर डबल ब्लैक हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये परफेक्ट क्या है, रेड ब्लैक ट्री। नाउ अब मैं इसमें से डिलीट करना चाह रहा हूँ लाइक 88 को, मैं चाह रहा हूँ कि 88 डिलीट हो जाए। तो आप सबसे पहले 88 को सर्च करेंगे, 88 इज़ ग्रेटर देन 54, आप इस पाथ पे आ जाएंगे, 88 को आपने सर्च कर लिया। नाउ 88 इट इज़ ए लीफ नोड, और इसका कलर कैसा है, रेड कलर है, तो इसको आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौन सा केस है, इफ़ नोड टू बी डिलीटेड इज़ रेड, जस्ट डिलीट इट, आप इसे डिलीट कर सकते हैं परफेक्टली, नो इशू। नाउ मैं 86 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डिलीट 86, डिलीट 86। तो 86 कैसे डिलीट होगा इसको देखिएगा, 86 को कैसे डिलीट करेंगे, ये अपने डिसेंडेंट यानी इसके जो चाइल्ड्स हैं नील, उनसे रिप्लेस होगा, क्योंकि इसका कलर कैसा है, ब्लैक है। तो ये जब रिप्लेस होगा नील से तो ये डबल ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नील का कलर ब्लैक है। अब अगर ये डबल ब्लैक हो गया तो इस पर कौन सा केस लगेगा, आप देखेंगे कि इसका सिबलिंग कैसा है, ब्लैक कलर का, और सिबलिंग के दोनों चाइल्ड, ये चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो नील होगा, और नील का कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो देखिए कि डबल ब्लैक का सिबलिंग तो ब्लैक कलर का है, लेकिन इसका फार चाइल्ड ब्लैक है और नियर चाइल्ड रेड है, तो कौन सा केस अप्लाई होगा, केस 5 अप्लाई होगा। केस 5 क्या कह रहा है, डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, यस ठीक है, सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ फार फ्रॉम डबल ब्लैक इज़ ब्लैक, बट नियर चाइल्ड इज डबल ब्लैक इज़ रेड, येस करेक्ट। देन स्वैप कलर ऑफ डबल ब्लैक सिबलिंग, हम क्या करेंगे, स्वैप कलर ऑफ डबल ब्लैक सिबलिंग एंड सिबलिंग चाइल्ड हु इज़ नियर टू डबल ब्लैक, तो इन दोनों के कलर चेंज हो जाएंगे, ये रेड हो जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा, फाइन। तो इसका कलर आपका रेड हो गया। फिर कह रहा है रोटेट सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डबल ब्लैक, रोटेट सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डबल ब्लैक, ये सिबलिंग है अपोजिट डायरेक्शन डबल ब्लैक, इसे रोटेट करिए एंड अप्लाई केस 6। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट ऐसा कुछ बन जाएगा 75, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नील है, ये डबल ब्लैक ही, अभी ये रेड कलर का है, और ये रोटेट होगा 72 ऊपर आ गया, 70 नीचे आ गया, राइट, 72 का कलर ब्लैक है, इसका रेड। तो अब ये कौन सा केस बनेगा, केस 6 अप्लाई हो जाएगा। केस 6 क्या कह रहा है, डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, यस ब्लैक है, राइट, एंड फार चाइल्ड इज़ रेड। तो पहले इसको आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, जब ये ऐड करेंगे तो ये क्या केस, किस तरह का दिखेगा ये स्ट्रक्चर इसका, इसको देखिएगा। इट इज़ 72 एंड 70, एंड इसका कलर कैसा है, इट इज़ ब्लैक, और हियर इट इज़ रेड, ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको दिख रहा है, फाइन। अब देखिए केस 6 क्या अप्लाई हो रहा है, केस 6 कह रहा है डबल ब्लैक सिबलिंग इज़ ब्लैक, यस सिबलिंग कैसा है, ब्लैक है, एंड फार चाइल्ड इज़ रेड, यस फार चाइल्ड डबल ब्लैक क्या है, रेड है, फाइन। स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड सिबलिंग, स्वैप कलर ऑफ पेरेंट और सिबलिंग, इन दोनों का कलर स्वैप कर देंगे, ये रेड है तो ये रेड बन जाएगा, और ये रेड है तो ये ब्लैक बन जाएगा, फाइन। तो ये रेड मैं इसको बना देता हूँ, ये कैसा हो गया, रेड हो गया। अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, ये कह रहा है रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन, जो पेरेंट है इसको डबल ब्लैक की डायरेक्शन में हम रोटेट कर देंगे, एंड रिमूव डबल ब्लैक, एंड इस डबल ब्लैक को हम रिमूव कर देंगे, ओके, सिंगल ब्लैक, ये नील है, एंड चेंज कलर ऑफ रेड चाइल्ड टू ब्लैक, जो रेड चाइल्ड था इसको हम कैसा कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। तो चलिए रोटेट कर लेते हैं हम इसको, जब आप रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का केस बनेगा, 72 ऊपर आ जाएगा और इसका कलर कैसा रहेगा, रेड, 75 इधर आ जाएगा, इसका कलर ब्लैक, एंड ये नील है, इसका कलर ब्लैक, एंड 70 इसका कलर ब्लैक।
तो ये निल को हटा सकते हैं आप। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन जाएगा, लेफ्ट साइड कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप इसको ऐड कर दीजिए इसमें। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा इसको देखिएगा। नाउ इट इज़ 72, 70, 75, इट इज़ ब्लैक, हेयर इट इज़ ब्लैक एंड हेयर इट इज़ राइट। ये कुछ इस तरह से बन गया। फाइन, नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट 54। मैं 54 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो 54 कैसे डिलीट होगा देखिए। 54 को डिलीट करने से पहले आप देखिए, 54 को सर्च किया या रूट नोट पे है तो हम क्या देखेंगे, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रेडिसर इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इन ऑर्डर सक्सेसर लेके चलते हैं। तो 54 का इन ऑर्डर सक्सेसर कहाँ होगा, राइट मोस्ट ट्री का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी राइट मोस्ट का लेफ्ट मोस्ट पार्ट 70। तो इस 70 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे 54, क्योंकि ये 70 से रिप्लेस हो गया, ये नोड डिलीट नहीं होगा। और रिकर्सिवली 72, 70, ये 70 डिलीट होगा। 70 का चाइल्ड्स क्या हैं, निल हैं, तो ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डबल ब्लैक प्रॉब्लम। फाइन, तो अब देखिए डबल ब्लैक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए कौन सा केस इसमें बनना है। डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक है और इसके दोनों चाइल्ड कैसे हैं, निल हैं, तो ब्लैक कलर के हैं। केस थर्ड अप्लाई हुआ। केस थर्ड ये कहता है कि इस डबल ब्लैक को हटा दीजिए और एक ब्लैक ऊपर दे दीजिए पेरेंट पे, पेरेंट रेड है तो ये ब्लैक बन जाएगा। और इसका कलर कैसा कर दीजिए, रेड कर दीजिए। किसका, सिबलिंग का। तो सिबलिंग का कलर कैसा हो गया, इट इज़ रेड। अब ये डबल ब्लैक सिंगल ब्लैक बन गया, तो इस नील को आप हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए परफेक्टली ये डिलीट हो गया। नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट 32। मैं चाहता हूँ कि डिलीट 32 इसमें से हो जाए। तो 32 को डिलीट करने के लिए पहले 32 को आपने सर्च किया एंड सर्च करने के बाद आपने देखा कि 32 ऐसा इंटरनल नोड है जिसका वन चाइल्ड है, तो 32 डिलीट नहीं होगा, ये रिप्लेस होगा अपने चाइल्ड से। चाइल्ड कितना है, 16 है, 16 से ये डिलीट नहीं होगा, तो इसका कलर ब्लैक ही रहेगा, बस ये रिप्लेस हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। और रिकर्सिवली देयर आर 216, तो ये डिलीट होगा। 16 ये लीफ नोड है, इसका कलर भी रेड है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए आपने डिलीट कर दिया 32, राइट। तो इस तरह से 32 को डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट 16। मैं इसमें से 16 को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो 16 कैसे डिलीट होगा, 16 अपने 16 का कलर ब्लैक है, तो ये अपने जो चाइल्ड के हैं निल हैं, और इनका कलर भी कैसा है, ब्लैक, इससे रिप्लेस होगा। तो निल का कलर ब्लैक है, 16 ऑलरेडी ब्लैक है, तो ये क्या हो जाएगा, निल से रिप्लेस होकर ये अंदर की वैल्यू निल हो गई, और निल का कलर ब्लैक है, तो ये डबल ब्लैक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। अगर ये डबल ब्लैक हो गया तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम डबल ब्लैक का सिबलिंग देखते हैं। सिबलिंग का कलर कैसा है, ब्लैक, और इसके दोनों चाइल्ड का कलर कैसा है, यस, इसके इस चाइल्ड का कलर तो ब्लैक है, लेकिन इसके फार चाइल्ड का कलर कैसा है, रेड है। तो इस केस में कौन सा केस बनेगा, केस 6 बनेगा। केस 6 क्या कहता है, स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड सिबलिंग, स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड सिबलिंग, दोनों का कलर कैसा है, ब्लैक ब्लैक है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। स्वैप कलर ऑफ पेरेंट एंड सिबलिंग, दोनों का कलर ब्लैक है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। रोटेट पेरेंट इन डबल ब्लैक डायरेक्शन, पेरेंट को हम कहाँ कर देंगे, डबल ब्लैक की डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, यस, डबल ब्लैक की डायरेक्शन ये है, रोटेट कर दिया। एंड रिमूव डबल ब्लैक, इस डबल ब्लैक को रिमूव कर दीजिए। चेंज कलर ऑफ रेड चाइल्ड टू ब्लैक, रेड चाइल्ड को हम ब्लैक बना देते हैं और उसको रोटेट। तो देखिए कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, 72, 70, 75, इसका कलर ब्लैक, इसका कलर ब्लैक, इसका कलर ब्लैक। फाइन, देखिए परफेक्ट, ये क्या है, रेड ब्लैक ट्री है। नाउ इसमें से मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ 70। अगर आप 70 को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी हमने ये केस वैसे डिस्कस कर लिया है। 70 का कलर कैसा है, ब्लैक, ये डिलीट होगा तो किससे रिप्लेस होगा, निल से। निल का कलर ब्लैक है तो ये निल हो जाएगा अंदर, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, डबल ब्लैक। और डबल ब्लैक इट इज़ अ प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए कौन सा केस है। डबल ब्लैक का सिबलिंग आप चेक करेंगे, सिबलिंग कैसा है, ब्लैक कलर का, इसके दोनों चाइल्ड निल हैं, कैसे हैं, ब्लैक कलर के। केस थर्ड अप्लाई हुआ। केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड ये कहता है कि इसका एक, इसको सिंगल ब्लैक में कन्वर्ट कर दीजिए और एक ब्लैक पेरेंट पे पहुंचा दीजिए। पेरेंट का कलर अगर ब्लैक है तो डबल ब्लैक हो जाएगा, पेरेंट अगर रेड है तो ब्लैक हो जाएगा। इट इज़ ए ब्लैक, तो डबल ब्लैक। और इसका जो सिबलिंग है, इसका कलर हम कैसा कर देंगे, सिबलिंग का कलर रेड कर देंगे, तो सिबलिंग का कलर रेड हो गया।
इसको हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। देखिए परफेक्ट रेड ब्लैक ट्री है, और पेरेंट्स पर डबल ब्लैक को आप हटा सकते हैं, पेरेंट आप सिंगल ब्लैक में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 72 फाइन, मैं कहूँ डिलीट 72, 72 को डिलीट करिए, तो 72 को जब आप डिलीट करेंगे तो 72 क्या है, 72 इट इज़ अ ब्लैक नोट्स, और ये किससे रिप्लेस होगा, अपने चाइल्ड से। तो ये नोड कभी डिलीट नहीं होता, चाइल्ड से रिप्लेस हुआ, 72 की जगह क्या आ गया, 75 आ गया, और 275 रिकर्सिवली ये डिलीट हो जाएगा। ये रेड चाइल्ड है तो ये इसको आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिलीशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको भी डिलीट करना है तो सर्च करिए, डिलीट कर दीजिए एम्प्टी ट्री। फाइन दोस्तों, ये है डिलीशन प्रोसेस। तो आप ईच एंड एवरी केस को पहले सिंगल सिंगल केस को एग्जांपल के साथ समझिएगा, फिर कंप्लीट डिलीशन प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। ऑलराइट दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।